तो ऐसा खाना मिलता है अनवी वहाँ पे? नहीं, ऐसा खाना नहीं मिलता। वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पर डिफरेंट फूड्स मिलता है। जैसे कौन कौन से? साउथ इंडियन। दोस्तों आज हमारे गांव में ग्वाल भट्टी है, तो अभी हम, मैं और मनीष दोनों जा रहे हैं वहाँ पे। सुबह जा कर के पहले काम करवाएंगे भट्टी में। दोस्तों गांव में जो फंक्शन होता है, भट्टी होती है, उसमें सभी को काम करवाना पड़ता है। जहाँ पे कोई कद्दू छिलने का काम होता है, कोई सब्जियाँ काटने का काम होता है। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जैसे हम शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, पर गांव में ऐसा होता है, यहाँ पे एक साल में आधा साल तो हमें फंक्शन में ही निकल जाता है। क्योंकि कहीं पे कोई मंदिर में भट्टी हो रही है, कहीं पे किसी के घर में भट्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे पूरे पूरे गाँव को इन्वाइट करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं भट्टी में। और दोस्तों ऐसे रास्ते हैं गाँव में जाने के लिए दूसरे घरों तक। दोस्तों ग्वाल भट्टी का यह कार्यक्रम घर से थोड़ी ही दूर पर है, तो अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि सभी जो गांव के लोग हैं वो कुछ न कुछ काम करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बोटी भी यहाँ पर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी खाना बनाने का काम है वो साथ में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लहसुन छीलने का हो गया, या फिर नारियल को काटने का हो गया, कद्दू को काटने का हो गया, या आलू के काटने का हो गया, ये सारे जो कार्य थे वो सभी ने, जो जिसको कार्य मिला था वो किया। दोस्तों यही बात तो हिमाचल में बहुत अच्छी है कि क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन में खाना बनाया जाता है वो जो हमारे ट्रेडिशनल जो बर्तन होते हैं ना, उन्हीं में ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पीतल के बड़े बड़े ये जो बर्तन हैं, इनमें ही ये खाना बनाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये ग्वाल भट्टी होती है, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई और फंक्शन हो उसका खाना खाना छोड़ दे तो कोई बात नहीं, पर जो ग्वाल भट्टी होती है, अगर इसका इनविटेशन ना भी हो और ये वहाँ पे लगी है और हम वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे इसका जो प्रसाद है वो जरूर खाना चाहिए। बस इतना ही, अभी हम शाम को खाना खाने चलेंगे और फिर बाकी का जो ब्लॉग है मैं शाम को बनाऊँगा। तब तक घर पे जाके थोड़ा घर का काम करते हैं। दोस्तों अभी हम भट्टी की तरफ जा रहे हैं, अभी रास्ते में ही थे तो मैं और अनवी जल्दी आ गए। तो ये विदर कर्नाटका में रहते हैं, तो जब छुट्टियां होती हैं तो यहाँ पे आते हैं घर पे। तो अभी अनवी से ही जानते हैं कि इसको आज कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कर्नाटका और विदर में ऐसा भट्टी खाने को कभी भी नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों ये वहाँ पे होते हैं ना, तो यही सोचते हैं कि जब मतलब छुट्टियों में यहाँ घर आएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई फंक्शन हो ताकि हम भट्टी खा सकें। तो ऐसा खाना मिलता है अनवी वहाँ पे? नहीं, ऐसा खाना नहीं मिलता। वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पर डिफरेंट फूड्स मिलता है। जैसे कौन कौन से? साउथ इंडियन, ऐसे सब कुछ मिलता है। इडली वैसे मिलता है। और सांबर, इडली, राइस, ऐसे कुछ तो मिलता है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों जितने भी लोग मुझे लगता है कि बाहर रहते हैं जैसे अलग अलग जगह पे ना, वो जरूर हिमाचल के ये जो हमारा कल्चर है, ये इसमें जैसे भट्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है ना, तो इसको मुझे लगता है जरूर जैसे धाम को मिस करते हैं होने। तो अभी हम उमंग और पूजा का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों जल्दी आ चुके थे, तो हम रास्ते में आके जल्दी से अपना वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों उमंग भी आ गई है, अभी उमंग से भी मैं पूछूंगा। तो दोस्तों उमंग से पूछते हैं कि इसको कैसा लगता है यहाँ का फंक्शन, भट्टी कैसी लगती है। तो उमंग कैसी लगती है भट्टी? बहुत अच्छी लगती है, मेरे को अगर रोज़ भी जाने को बोले तो मैं जा सकती हूँ। तो जब आप कर्नाटका में होते हो तो कितना मिस करते हो इसको? तो मैं बहुत मिस करती हूँ, जब वीडियो कॉल में मामू बोलते हैं हम भट्टी में जा रहे हैं तो मुझे भी मन करता है। अच्छा भट्टी में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे भट्टी में धुली दाल, जो यहाँ की फेमस डिश है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आइए दोस्तों जल्दी से चलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है सभी लोग जा चुके हैं। मुझे पता है, धूप ज्यादा है ना। हेलो दोस्तों, अभी हम सभी यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो यहाँ पर खाने में 7 से 8 सब्जियाँ बनाई जाती हैं, तो अभी आप देखना कि कौन कौन सी सब्जी आज यहाँ पे बनी है जो हमने खाई। दोस्तों अनबु ने अपनी प्लेट अपनी गोद में रख ली है, बोल रही है मेरे से नीचे खाना ही नहीं खाया जा रहा है।
दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे कितने कुछ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। चिंटी चिंटी नहीं मतलब खड्डे है, इसलिए मैं कुछ नीचे से मेरी छाती अंदर को जा रही है, इसलिए मैं नहीं कर सकती खाने सकती। दोस्तों भट्टी में तो ज्यादा सब्जियां बनी थी, पर अनवू ने वही सब्जियां खाई जो उसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों भट्टी का जो खाना बना था ना, वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। दोस्तों हमें लिफ्ट मिल गई थी, तो हम सभी फिर गाड़ी में घर तक आ गए और बीच में ब्लॉग बनाना भूल गया। तो आशा करूंगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है अनुभव? क्या करना है? सब्सक्राइब। हाँ, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बोलो। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।